शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी को भगवान सदा अपने पास बिठाते हैं, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी ने जीवन में बहुत सारे काम किए, लेकिन उनमें से तीन काम अहम किए जो सबसे शुभ माने जाते हैं। आपको बता दें, यदि अगर जीवन में जातक यह तीन काम कर लेता है तो भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा उस पर अपनी कृपा बना रखते हैं और जीवन में बहुत सारी खुशियां भी दे देते हैं। नंबर एक, हनुमान जी ने नाम छोड़ा। कभी भी भगवान हनुमान ने अपना नाम नहीं रखा। हनुमान जी के अनेकों नामों से जाना जाता है। उनके जितने भी नाम हैं सभी उनके कार्यों के कारण पड़े हैं। कहा जाता है एक दिन जब हनुमान जी से पूछा तो आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा, तो हनुमान जी बोले, नाम तो दो ही सुंदर हैं, राम और कृष्ण। इनका नाम लेने से ही जीवन भर के लिए मैं तर गया हूँ। नंबर दो, हनुमान जी ने रूप छोड़ा। बंदरों का रूप भी हनुमान जी लेकर आए। हनुमान जी ने किसी से पूछा, आप रूप बिगाड़ कर क्यों आए हो। हनुमान जी बोले, यदि मैं रूपवान हो गया तो भगवान पीछे रह जाएंगे। इस पर भगवान बोले, चिंता मत करो हनुमान, मेरे नाम से ज्यादा तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारा रूप भी होगा, और इस संसार में आपको मेरे साथ पूजा जाएगा। ऐसा हुआ भी, राम के दरबार में पहला दर्शन हनुमान का ही होता है। नंबर तीन, हनुमान जी ने यश छोड़ा। एक बार हनुमान बीच में बैठे हुए थे। अब वहां सब सोचने लगे, हनुमान तो अपने मुख से स्वयं कहेंगे नहीं, इसलिए हनुमान की बढ़ाई करते हुए बोले, हनुमान तुमने इतना बड़ा सागर लांघा है जिसे कोई नहीं लांघ सकता। तो इतना सुनते ही हनुमान जी बोले, प्रभु इसमें मेरी क्या बिसात, आपके नाम की मुंदरी ने पार लगवा दी। इतना सुनकर भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और अपने गले लगा लिया। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट। Oh.